गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ डेली एक्सप्रेस ऑन लार्जेस्ट ऑनलाइन से प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक यूपीएससी सी एस सी में आप सभी लोगों का स्पेशल स्वागत आज के करंट अफेयर्स के सेशन में जिसमें हम देखेंगे कुछ क्रूशल एडिटोरियल्स कल मैंने एक होमवर्क भी दिया था टास्क हम लोग वो भी देखेंगे एंड वी विल सी द न्यूज ऑफ टूडे आज के न्यूज में एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आए हैं एंड एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज रिलम्स में एक्सपेक्टेड है यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो बिफोर प्रोसीडिंग एड लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल बताइए मुझे चैट बॉक्स में तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन this is dr anurag a passionate upsc mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring and past seven months in online mentoring upsc i have appeared twice for the personality test stage four attempts four mains twice personality test in 2007 i missed by two marks the final selection i was there in the reserve list but i could not get selected finally i have also worked as assistant commissioner of sales tax in state services for three years Before resigning from the service and pursuing my passion of mentoring the UPSC aspirants, और जो सफलतापूर्वक मैं लास्ट वन डिकेड से मेंटर कर रहा हूं बच्चों को मेनी स्टूडेंट द टॉप ट्वेंटीग्राम चैनल अन अकेडमी अंडर स्कोर अनुराग अंडर स्कोर सिंह जुड़ जाइए इस चैनल पर इस सेशन के फ्री पी के लिए और मैं एडवाइस करूंगा डाउनलोड कीजिए अन लर्निंग एप सब्सक्राइब कीजिए प्लस पर To get daily live classes structured courses mock tests and quizzes and unlimited access to all these things and you can see out here top educators teaching up on the plus platform comprehensive courses and uh, the plus subscription one year two year three year subscription it depends all upon your interest you should go for it use Anurag's discount code that's 10 percent off discount midega. plus बुकलेट्स और पीडीएफ के लिए आप जुड़ व्हाट्सएप ग्रुप से आपको एनसील और कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा और जिनको एक पर्सनल कोच चाहिए अगेन को ये बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिनको ट्रैक पे रहना है मीन दिस आईकनिक इज अ टाइप ऑफरिंग यू ऑन डेली बेसिस वन ईयर टू इन इब्सक्रिप्शन डिस्काउंट कोड गेट ए टेन परसेंट ऑफ ऑल्सो गेट माई नोट बुकलेट्स एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड जुड़ जाइए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से और ई एम आईज में भी आप पेमेंट कर सकते हैं यू कैन सी द्लस सब्सक्रिप्शन आई कैनिक सब्सक्रिप्शन और ये देखिए एटीन से न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं अठारह फरवरी से बैच कोर्सेज फॉर यूपीएससी प्रलिम सिक्स मंथ कोर्सेज वन ईयर कोर्सेज टू ईयर कोर्सेज एम सी आर टी बैचेस दिस इज दिन अकेडमी समिट टू ये देखिए फरवरी बीस इक्कीस को होगा सेवनिक्सर्स विल दिस टॉक एंड डिस्कस अबाउट दसपेक्ट ऑन टू डेज दू नो ट्वेंटी एट फरवरी को होने वाला है सुबह ग्यारह बजे तो एनरोल कीजिए यूज अनुराग एज द एनरोलिंग कोच फ्री मॉक टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है फ्री में है जरूर अटेंड कीजिए Prelims के लिए आपको फ्री में एक टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म मिल रहा है चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन यस देखिए मैं बस इतना मानता हूं स्टूडेंट्स की जो कर्म कीजिए जो काम कीजिए जान लगा दीजिए उसमें आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अपना जान लगाया सर्वस्व ने छावर कर दिया उस कर्म के लिए और सफलता नहीं मिली हो ऐसा नहीं हो सकता इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं डोंट गो फॉर डोंट गो फॉर कि मुझे एक रैंक चाहिए मुझे आईएएस बनना आईपीएस बनना है मुझे टॉपर बनना है नहीं नहीं बस आपको अपने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है दैट्स इट एंड रेस्ट विल बी हिस्ट्री में बार बार कहता हूं इतिहास रच जाएगा अगर जान लगा दिया आपने एक इंसान के अंदर कितनी काबिलियत होती है वो वही जानता है लेकिन ध्यान दीजिएगा वो जान पाता है आफ्टर आफ्टर द हैव गॉन बाई इसीलिए बोलता हूं दैट अपनी काबिलियत पहचानो और जान लगा दो इतिहास नहीं रचा तो फिर देखिएगा मैं बार बार कहता हूं चलिए गुड मॉर्निंग ठीक है तो चलिए ये दिस इज माय प्रोफाइल लिंक अनुराग आईएमएस सर्च कीजिए एंड फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही है इवनिंग में इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एट प्रेजेंट सिक्स फोर्टी फाइव या सिक्स थर्टी पे क्लासेस चल रही हैं ठीक है फ्री uh, क्लासेस है जरूर अटेंड कीजिए इंडियन इकोनॉमी की बेस्ट क्लासेस हैं आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगी मैं ये गारंटी दे रहा हूं और ये देखिए अन अकेडमी में मेरा प्लस कोर्स इंडियन पॉलिटियन गवर्नेंस पे और इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैं बस इतना कहता हूं कंसेप्ट अगर बिल्डअप हो गया ना तो जीवन भर कुछ नहीं भूलेगा बता दूं आपको इसलिए रटी मत किताबों को कंसेप्ट बिल्डअप कीजिएबल अनुराग इज द डिस्काउंट कोड टू बी यूज आइए शुरू करते हैं आज का सेशन देखते हैं क्या है आज हमारे लिए 16 फरवरी डेली करेंट अफेयर एक्सप्रेस व्यू अंस व्यू उठाना है, न्यूज इंपॉर्टेंट और डीकोड इंटरनिंग का अप्रोच

स बिटवीन रीडिंग एंड स्टडी न्यूज पेपर हमें स्टडी करना है रीड नहीं करना है और ये चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन सबसे पहला जो हमें फिनिश करना है दैट इज द एडिटोरियल वी टॉक्ट अबाउट यर स्टडी दिस इज इट स्टूडेंट दिस इज इट सबसे पहले हम लोगों ने कल देखा था एक न्यूज फार्म इनकम मिशन ऑफ टारगेट डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम ये एम किया गया है इंडिया की तरफ से डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम नीति आयोग ने कुछ सेवन स्ट्रेटजीज दी थी डिड यू नोट इट यूर स्टडी क्या आपने कल नोट किया था सेवन स्ट्रेटजीज? मुझे बताइए स्टूडेंट्स ये सेवन स्ट्रेटजीज। 2017 में ये दिया गया था नीति आयोग के द्वारा पांच साल में डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का एक्सपेक्टेशन था जो डबलिंग नहीं हो पाएगा डबलिंग नहीं हो पाएगा वॉट इट

उन्हें जगह क्या कहते हैं इसराइल को जगह मिली इंडिया एंड चाइना गॉट लिबरेटेड एंड बोथ स्टार्टेड ऑफ द जर्नी इन फोर्टीज कंपेरिजन तो बनता है और यही कंपेरिजन मैंने कहा था आप टास्क कीजिए क्या आपने टास्क किया स्टूडेंट्स जन्मी मैंने अपना टास्क कर दिया ये देखिए मैंने अपना टास्क फिनिश किया चाइना इसराइल और इंडिया के बीच में मैंने कंपेरिजन किया और हम कुछ और भी एडिशन देखेंगे ये आप सर कंपेरिजन करके मिल क्या रहा है हमें से हम कुछ सीख सकते हैं चाइना से हम कुछ सीख सकते हैं एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट एट परसेंट ऑफ जीडीपी ओके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत कम बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है इसका क्या मतलब है GDP चाइना का कम है क्या नहीं GDP बहुत ज्यादा है सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज्यादा डू यू एग्री

एंड एंड दिस रिफॉर्म्स बिकेम द कोर ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हाउ कम ये बताइए मुझे स्टूडेंट्स मुझे एक पॉइंट बताइए यहां पे क्या क्या एग्रीकल्चर के गुड्स एग्रीकल्चर के गुड्स रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या वही इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम रॉ मेटेरियल इस्तेमाल होते हैं टेनमी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में टेनमी यस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या यही इंडिया की काबिलियत थी और खासियत थी बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया ये एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस होते थे गुड्स वही कॉटेज इंडस्ट्रीज लघु उद्योग में घर घर में कॉटेज इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स की तरह लगते थे एंड इंडिया वाज कंट्रीब्यूटिंग थर्टी परसेंट ऑफ वर्ल्ड 30% वर्ल्ड का जीडीपी इतना कोई नहीं बढ़ पाया है ये अठारहवीं शताब्दी की बात है एटीन सेंचुरी की बात है सो so, ध्यान दीजिएगा आज की तारीख में भी चाइना ने चाइना ने वही तरीका अपनाया एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सबसे पहले चाइना ने डेवलप किया कौन से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल्स डू यू एग्री टेक्सटाइल्स में सबसे कॉमन कॉटन टेक्सटाइल्स सबसे मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज चाइना में है इनफैक्ट चाइना कैप्चर्ड 90 परसेंट ऑफ यूएस मार्केट वे बैक इन 2005 थाउजेंड फाइव सिक्स टेक्सटाइल वॉर भी चला था उस समय यूएस और चाइना के बीच में मीन समझ लीजिए कि कुछ uh, कुछ टेक्सटाइल्स uh, में 90 परसेंट ऑफ यूएस मार्केट एंड यूरोपियन यूनियन मार्केट कैप्चर करना अपने आप में बड़ी काबिलियत है ठीक है सो दिस वॉज इट और आज भी आज भी चाइना इंडस्ट्री पे फोकस करता है लेकिन एग्रीकल्चर से शुरुआत उसे पता है या तो एग्रीकल्चर या माइनिंग यही दोनों रॉ मटेरियल्स देते हैं इंडस्ट्रीज के लिए डू यू एग्री एंड बोथ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग कम इन प्राइमरी सेक्टर इन शॉर्ट इन शॉर्ट ध्यान दीजिएगा प्राइमरी सेक्टर इज द मेजर एरिया ऑफ फोकस इफ यू हैव डेवलप इंडस्ट्री इन द कंट्री और यही वजह है यही वजह है दैट प्राइमरी सेक्टर तो उसका फोकस हमेशा रहता है हमारे यहां प्राइमरी सेक्टर क्या कभी फोकस में रहा बताइए प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री 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 हम लोग इंडस्ट्री करते रह गए लेकिन इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं किया शुरू से ही लेकिन आप बोलेगा सर ये पहला पॉइंट है और भी कुछ पॉइंट है क्या हाँ आइए देखते हैं चाइना में सारी पॉलिसीज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड है प्रोड्यूसर ओरिएंटेड पता है प्रोड्यूसर का मतलब क्या जैसे एग्रीकल्चर में फार्मर जैसे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर, जैसे सर्विस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडर समझ में आ रही है? प्रोड्यूसर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ और इंडिया में देखिए किधर पॉलिसी शिफ्ट की हुई है कंज्यूमर ओरिएंटेड आप देख रहे हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड दाम कम होने चाहिए क्योंकि हमारे यहां गरीबी ज्यादा डू यू एग्री देखिए ध्यान दीजिएगा पॉवर्टी एलिवेशन क्या हमारा मेजर टास्क रहता है भले प्रोड्यूसर्स को सही दाम ना मिले हम कंज्यूमर्स को चीप चीजें मींस चीप कम दाम में चीजें गुड्स देने की बात करते हैं इन शॉर्ट बोथ इंडिया एंड चाइना वर पुअर चाइना वेंट फॉर प्रोड्यूसर ओरिएंटेड पॉलिसीज पी वेंट फॉर कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज ठीक है हम आज भी ये सोचते हैं मार्केट में सस्ते दाम में सब कुछ बिक जाए ठीक है ताकि उस शख्स तक सब कुछ पहुंच जाए अच्छे से हम यह नहीं देखते कि वही वही पर्सन प्रोड्यूसर भी है कितनी जगहों पे। अगर आप प्रोड्यूसर ओरियंट पॉलिसीज अपनाइएगा तो शायद उसका परचेसिंग पावर बढ़ेगा डू यू एग्री चाइना वेंट फॉर प्रोड्यूसर ओरिएंटेड पॉलिसीज दे गॉट द राइट प्राइस देयर परचेजिंग पावर वॉज इंक्रीज परचेजिंग पावर India went for consumer oriented policies. India never focused means India का focus purchasing power increase करने पर नहीं रहा India का focus रहा that that the goods should be cheap to match the purchasing power to map match the purchasing power match the purchasing power यही फर्क है ठीक है देखिए अब आप इसमें यह नहीं कह सकते हैं कि, कि किसी किसका approach अच्छा है किसका approach बुरा है इवन अगर इंडिया का अप्रोच कंज्यूमर ऑरियड पॉलिसीज का ठीक रहता तो इंडिया बहुत आगे रहता क्योंकि आपके पैसे बचते आप इन्वेस्ट आप सेविंग्स करते आप इन्वेस्टमेंट्स करते डू यू एग्री लेकिन दिक्कत क्या हुई इंडिया के केस में ये कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज भी फेल कर गई बिकॉज ऑफ करप्शन इंप्लीमेंटेशन ले क्यों ना एग्री कर रहे हैं पीडीएस की बात कर रहे हैं पीडीएस सब्सिडीज एग्री कर रहे हो ना इंप्लीमेंटेशन ना फेल कर गया सब कुछ अगर ये सही तरीके से चला रहता तो ये भी ये जितने देशों में लाया गया ये भी बहुत फायदेमंद अप्रोच है कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूसर देखिए प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो प्रोड्यूस करता है उपज करता है फार्मर अगर कोई गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है खेतों में तो कहा जाता है वो प्रोड्यूसर है फार्मर गेहूं का लेकिन वही फार्मर अगर दलहन खरीद रहा है तूर दाल खरीद रहा है परचेसिंग तूर दाल ठीक है तो कहा जाएगा वो कंज्यूमर है तूर दाल का दैट्स इट ये कल का ही आर्टिकल है मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे स्टूडेंट्स ठीक है तो आपको क्या समझ में आ रही है बात ये चाइना का फोकस इंडिया का फोकस देखिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और बाईपास कंज्यूमर ओर पॉलिसीज और द फोकस पॉइंट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट करप्शन एंड लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन करप्शन करप्शन एंड करप्शन आपने पढ़ा हुआ है सब्सिडीज कैश सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज जो सरकार आपके पॉकेट में कुछ पैसा डाल देती है या कुछ गुड्स डाल देती है दोनों में इतना करप्शन है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम और यहां देखिए 17 परसेंट सेवेंटीन परसेंट ऑफ जीडीपी इंडिया आज भी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करे यानी कि इंडस्ट्रियल सर्विसेज से कंट्रीब्यूशन का रही सर Uh, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं थे बिल्कुल थे मानते हैं लेकिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स केवल ध्यान दीजिएगा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे वो फार्मर रिफॉर्म्स नहीं बात समझ में आ रही है यही यहां पर टॉक्स किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर पे अगर फोकस करके रिफॉर्म्स किए जाएंगे ठीक है उपज होगी उपज बढ़ेगा ये होगा वो होगा लेकिन व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट द प्रोड्यूसर ओरिएंटेड पॉलिसीज आउट हियर अब देखिए ये दोनों को आप अलग कर दिए देखिए दोनों में किसी को देखिए इंडिया को आप अगर आप कहिएगा कि सर इंडिया दोषी है नहीं दोषी नहीं है ठीक है कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज बहुत जगहों पे बहुत सफलतापूर्वक काम किए लेट मी टेल यू नोटेबली इन क्यूबा ठीक है नोटेबली इन इजराइल ऑल्सो ठीक है बट यस देयर शुड बी नो करप्शन ठीक है करप्शन इतने ज्यादा है क्या लीकेजेस बहुत ज्यादा है टर्मी क्या लीकेजेस बहुत ज्यादा है सब्सिडीज में बताइए मुझे कि सारा का सारा जितना अच्छा कर्म होता है सब बुरे में परिवर्तित हो जाता है आप पॉलिसीज के ऊपर पॉलिसीज़ के ऊपर तभी आरोप उठा सकते हैं जब वो पॉलिसीज हर जगह फेल कर रहा हो लेकिन नहीं कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज बहुत जगह बहुत फायदेमंद रहा है इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आसियान इकोनॉमीज बट बट अगर पॉलिसीज बाकी जगह ठीक चल रहा है

कि एग्रीकल्चर में भी स्किल्ड लेबर चाहिए डू यू एग्री स्टूडेंट चल मी लीकेज का देते हैं ना पीडीएस में ठीक है मैंने डिस्कस किया हुआ ये इंडियन की क्लासेस में जब आप राशन दुकान पे जाते हैं आप आपने नायक मूवी देखी है ठीक है सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको उसमें आपने देखा है वर्ल्ड कप जो कंसेप्ट था ठीक है कि जितना वजन होना चाहिए उससे कम दे रहा था वो बंदा ठीक है बस उसी से समझ लीजिए या ग्रेन्स क्वालिटी खराब है उसी से समझ लीजिए <laughs> अच्छा ये बताइए अब इसराइल में स्किल्ड लेबर डू यू थिंक दैट लेबर इज द कोर लेबर एक ऐसा कोर एरिया है जिस पे अगर आप काम कीजिएगा जिसके स्किल्स पे तो शायद सारे एरिया इंप्रूव हो जाएंगे स्किल्ड लेबर इसराइल हैज गॉन फॉर स्किल्ड लेबर और इसराइल का स्किल्ड लेबर ध्यान दीजिएगा मेल्स एंड फीमेल्स थोड़ा ध्यान दीजिए मेल्स आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर एंड मैनुफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग द फीमेल्स है मच हायर पार्टिसिपेशन रेट इन सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर इज दिस अ क्लासिकल डिवीजन ऑफ वर्क टेलमी क्या ये डिवीजन ऑफ वर्क है पूरे कंट्री में टेलमी बिटवीन द जेंडर टेलमी ये देखिए और इसराइल का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है कि एवरी वन नोज कि अगर मैं अपना काम ठीक से करूंगा तभी सरवाइव करेगा कहा जाता है ना जब जीवन का सबसे खराब समय रहता है उस समय आप अपना सबसे अच्छा देते इसराइल अपनी सर्वाइवल की लड़ाई झेल रहा था उस जगह पे उस अरब वर्ल्ड के बीच में और उसने अपने आप को मेंटेन ही नहीं किया है उस जगह पे उसने दूसरे देशों को काउंटर भी कर दिया इसराइल वेरी स्मॉल कंट्री

जो जो ध्यान दीजिएगा जो थोड़ी पुअर क्लास की होती है वहां पे उनको काम दिया जाता है एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड एवरी एक्टिविटी जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड इज रेल एज गॉन फॉर स्किल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर मीनिंग वाटर अकाउंटिंग डू यू एग्री वाटर अकाउंटिंग यस ये स्किल है पानी बचाना हमारे यहां पानी कोई बचाता है मुझे बताइए पानी कोई खुला छोड़ देगा टैप आप जाके टोकोगे तो बोलेगा अरे पानी मेरा है मेरी जमीन पे गिर रहा है तुम क्यों आकर इंटरफियर कर रहे हो और ये देखिए क्लास स्टार्ट कर होता है सात पचास के आसपास ठीक है सात पैंतालीस में टाइमिंग है पांच मिनट का स्पेस दे दिया कीजिए मुझे सात पचास पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ये बताइए आगे देखिए एंड स्प्रिंकलर सुना है आपने मैंने एग्रीकल्चर में पढ़ा है में इट केम फ्रॉम इसराइल एंड इसराइल ने पता है क्या के पास जमीन बहुत कम है बहुत कम जमीन है जब जमीन कम होता तो कर, है uh, मैं बता दूं हाई वैल्यू क्रॉप्स में हाई वैल्यू क्रॉप्स में फ्रूट्स हैं अच्छे खासे यहां पे डेजर्ट एरिया है यहाँ पे डेजर्ट एरिया है फ्रूट्स है ध्यान दीजिएगा फ्रूट्स में ऑरेंजेस यहाँ के बहुत फेमस हैं डेट्स डेट पाम यहां का बहुत फेमस है ठीक है एंड साथ साथ में साथ में हैज गॉन फॉर अल्टीमेट हाई वैल्यू गिविंग अप ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रॉपिंग अपनी ओलिव ऑरेंजेस डेट्स ऑलिव प्लांटेशन ऑलिवला देखा होगा बहुत महंगा बिकता है इसराइल देखिए तरीका देखिए अपनाया यहां जो महंगा बिकेगा वर्ल्ड मार्केट में वो ग्रो करेंगे और एक्सपोर्ट कर एग्रीकल्चर बिकेम द बैकबोन ऑफ इजराइल और ये देखिए साथ में स्टेट इज सपोर्टिंग द वॉटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, वाटर अकाउंटिंग और मैंने कल मैं बता रहा हूं आपको मैंने कल एक पॉइंट पढ़ा लोकल्स का जो लोकल्स का कंसेप्ट होता है वाटर कंजर्वेशन का ठीक है सॉरी जो वाटर स्प्रिंकलर इरीगेशन जो आपने सुना है स्प्रिंकलर इरीगेशन स्प्रिंकलर मीन की तरह पानी आता है क्रॉप्स के ऊपर तो दिस अक्रॉस द रीजन लाइक रेनफॉल डू यू एग्री कहा जाता है अगर रेनफॉल की तरफ बारिश होती है तो इंसेक्ट्स भी कम लगता पेस्ट भी कम लगते क्या ये नेचुरल पेस्टिसाइड का काम कर रहा है क्या ये नेचुरल पेस्टिसाइड का काम कर रहा है यस yes. देखिए इंसेक्ट्स पेस्ट नेचुरल पेस्टिसाइड और हमारा क्या, क्या कंसेप्ट है ध्यान दीजिएगा हमारा क्या कंसेप्ट है इरिगेशन लाइक दिस तनाल इरिगेशन टैंक इरिगेशन वेल इरिगेशन बात समझ में आ रही है दोनों में फर्क समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स एक तो पानी भी ज्यादा लग रहा है सेकंड पेस्टिसाइड भी सेव नहीं हो सो स्प्रिंकलर इरिगेशन इज एक्टिंग एज नेचुरल कहा जाता है ऑफ ऑफ पेस्ट गो अवे बिकॉज दैट्स इट बारिश की तरफ पानी आप खुद बताइए बारिश जब प्रकृति में खुद ही नेचर ने खुद ही बनाया हुआ उस कंसेप्ट को हम लोग नहीं मान रहे हैं। और ये देखिए यहां पे इस जगह पे लिखा हुआ है पंजाब में दीजिएगा पंजाब में प्री पावर फ्री पावर ये देखिए फ्री पावर हाईली सब्सिडाइज यूरिया एंड एंड ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट इसने पूरा वहां पे बिगाड़ दिया है पर्यावरण पता है क्यों राइस व्हीट कल्टीवेशन में कन्वर्ट हो गया है सब कुछ एग्री कर रहे हो सारे एरिया छीन गए हैं सारे क्रॉप्स खत्म हो गए राइस वीट ग्रो किया जा रहा है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट बाई एफ सी आई एग्री कर रहे हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रैक्टिस होता है भाई बिल्कुल होता है एफ सी आई ये देखिए डेडली कॉकटेल कहा जा रहा है ये तीन चीजें प्री पावर यूरिया ठीक है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट राइस वीट कल्टीवेशन सिस्टम हैव कम इन इंडिया डू यू एग्री यस इसी पे यूपीएससी ने इस पर सवाल दाग दिया था दो साल पहले भी यूपीएससी ने सवाल पूछा था इसी के ऊपर राइस वीट राइस वीट कल्टीवेशन सिस्टम एंड टेल मी वन थिंग क्या कल्टीवेशन इंपैक्ट क्या कल्टीवेशन या क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग पैटर्न इंपैक्ट हुआ इससे yes. <laughs> मैं द इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल लेकर आता हूं लाइव लाइवमेंट का भी और द हिंदू का भी जहां से भी इंपॉर्टेंट लगता है रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट I suppose this article is pretty clear. We must learn something from Israel and China. What What should we learn? Have a look. What should we learn? अब खुद देखिए इंडिया का इंडिया का फार्मा सेक्टर आगे बढ़ गया एपीआई सेक्टर आगे नहीं बढ़ा देखा आपने एपीआई कहां से आते हैं एपीआई रॉ materials है फार्मा सेक्टर इंडिया का आगे बढ़ गया सब कुछ एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट सोच लीजिए अब ये सोचिए सोचिए यहां पे हमें कुछ सीखना पड़ेगा भाई पहला पॉइंट हमें लेबर को स्किल्ड करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में डू यू एग्री लेबर स्किल्ड सेकेंड पॉइंट हमें सब्सिडीज सब्सिडीज और फ्री पावर जो दिया जा रहा है वो उसको था चेक करना पड़ेगा चेक्स ठीक है थर्ड पॉइंट हमें वाटर अकाउंटिंग लाना पड़ेगा वाटर अकाउंटिंग डू यू एग्री यस इंडिविजुअल फील्ड्स के लिए फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट हमें हाई वैल्यू क्रॉप्स में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हाई वैल्यू क्रॉप्स डू यू एग्री स्टूडेंट्स यस फिफ्थ पॉइंट हमें ध्यान दीजिए स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन के जो फायदे हैं जो फायदे हैं वो बताना पड़ेगा किसानों को ठीक है किसानों को बताना पड़ेगा और इसके लिए हमें चाहिए होगा एनजीओ और सिविल सोसाइटी का रोल डू यू एग्री सिविल सोसाइटी जीएस पेपर टू में इनका रोल के ऊपर बहुत बड़ा एक सिलेबस का टॉपिक है ठीक है जीएस पेपर टू स्किल सब्सिडीज एंड फ्री पावर वाटर अकाउंटिंग हाई वैल्यू क्रॉप ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी का रोल एंड सिक्स पॉइंट पॉइंट एग्रीकल्चर शुड बी द कोर ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी सेक्टर शुड बी द कोर ऑफ रिफॉर्म्स in any in in any instance, that's it. क्लियर <laughs> स्टूडेंट्स ये पांच छह पॉइंट निकाल लीजिए ठीक है हमें इस पर फोकस करना जरूरी हो गया है नहीं तो चिंता की बात है और देखिए फोकस इस पे, ये क्या ये क्या बेसिक्स है एग्रीकल्चर की ये बताइए स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा आपको आप बोलिएगा कि सर मुझे जैसे पॉलिटी समझ में नहीं आ रहा है मुझे इकोनॉमी समझ में नहीं आ रहा है मैं बोलूं, मैं कि ऐसा है लक्ष्मीकांत नहीं समझ में आ रहा है तो डी डी फायदा होगा अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या कहता हूं बेसिक पे जाओ थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप करो कंसेप्ट बिल्डअप कंसेप्ट बिल्डअप बेसिक क्लियर करना पड़ेगा पहले ये बेसिक्स हैं सारी चीजें बेसिक्स हैं यहां पे ठीक है तो बिल्कुल और ये सिक्स पॉइंट तो है लेकिन पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है करप्शन करप्शन ठीक है एंड करप्शन एंड एंड दिस इंप्लीमेंटेशन लैके आज तक कहा जाता है इंडिया में जो चल रहा है ये सिस्टम सब्सिडीज uh, का ये सबसे बड़ा सिस्टम है विश्व का सब्सिडीज का अगर सही से चलता विदाउट द करप्शन इन द सिस्टम विदाउट द करप्शन ऑफ द पॉलिटिशियंस तो शायद आज इंडिया कहीं और खड़ा है इंप्लीमेंटेशन लैक क्यों ना ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे हटाना पड़ेगा चलिए शिफ्ट करते हैं आज अगले टॉपिक पे शुरू करते हैं आज का सेशन करंट अफेयर्स के न्यूज से ठीक है आइए देखिए आज क्या क्या न्यूज है आज सबसे पहला न्यूज डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट को लेकर ये देखिए द हिंदू का आज न्यूज आया है लेदर बैक टर्टल का नेस्टिंग साइट क्वी ओवर रन बाई अंडरमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडरमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यस लिटिल अंडमान सुना है आपने जलमी स्टूडेंट्स लिटिल अंडमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अब यहां से यूपीएससी वेलेम्स और मेंस दोनों जगह सवाल पूछेगी मैं बता दूं अंडमान क्यों न्यूज में चल रहा है अंडमान निकोबार आर इन न्यूज पहले सितंबर में न्यूज आया ऑप्टिकल फाइबर केबल डाले गए हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल ठीक है और अब न्यूज आया दैट अंडमान निकोबार में एक टूरिज्म हब बनाया जा रहा है टूरिज्म हब फिल्म सिटी सब कुछ बनेगा लिटिल अंडमान आइलैंड्स पे ठीक है तीसरा न्यूज आया था दो तीन साल पहले कि कोई भी कोई फॉरेनर गया था वहां पे और उसे ट्राइबल्स ने मार दिया ठीक है ट्राइबल्स आर समवॉट कंजर्वेटिव दे आर लिविंग अव लाइफ स्टिल प्रिमेटिव लाइफ एग्री कर रहे हैं प्रिमेटिव लाइफ प्री हिस्ट्री की लाइफ जी रहे हैं वो लोग ठीक है आप जाइएगा गूगल लेकर ठीक है वाईफाई ले, गूगल लेकर गए आप फोटो लेने के लिए कैमरा से गूगल पे अपलोड करेंगे एंड यू आर डेट हैं ठीक है उस जगह पे और यही वजह है देयर देयर हैबिटेट इज़ जहां वो रह रहे हैं जिस बेल्ट में रह रहे हैं उस बेल्ट में उनकी संख्या कम होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ ऑन स्लॉट ऑफ ऑन स्लॉट ऑफ मॉडर्न फैक्टर्स डू यू एग्री संख्या बहुत कम हो रही है ऐसे प्रिमेटिव ऐसे प्रिमेटिव ट्राइबल्स को वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी कहते हैं यस पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी इस पे यूपीएससी ने सवाल पूछा था पीवीटीजी के बारे में दो साल पहले ये अंडमान निकोबार में स्पेसिफिकली रहते हैं और ये देखिए लिटिल अंडमान आइलैंड्स, ध्यान दीजिएगा जो ओंजेज का ओंजेज ट्राइबल रिजर्व ओंजेज जे सुना होगा आपने ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइवल ग्रुप्स हैं ठीक है ये लिटिल अंडमान में रहते हैं आइए देखते हैं लिटिल अंडमान का लोकेशन ये देखिए लिटिल अंडमान लोकेशन देख रहे हैं ये देखिए ये देखिए नारकोंडम आइलैंड ये देखिए अंडमान निकोबार सबसे साउथ में लिटिल अंडमान इट इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार ग्रुप आइलैंड्स बाय 10 डिग्री चैनल एटलस में मार्क कर लीजिएगा 10 डिग्री चैनल मार्क किया है आपने चैनल मीन्स वाटर बॉडी होता है वाटर बॉडी चैनल का मतलब वाटर बॉडी ठीक है और उससे टेन डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस करता है ठीक है टेन डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और यह देखिए यही लिटिल अंडमान में डेवलपमेंट किया जा रहा है अंडमान में कौन कौन से आइलैंड्स हैं बहुत इजी है नॉर्थ अंडमान मिडिल अंडमान साउथ अंडमान लिटिल अंडमान देखिए और इसमें साउथ अंडमान में एक सिटी है पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर क्या ये कैपिटल है यहां का और ये देखिए यहां पे निकोबार आइलैंड्स में सबसे साउथ में कौन सा आइलैंड है ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार ये देखिए तो आपको लिटिल अंडमान याद रखना है ग्रेट निकोबार याद रखना है और ये टेन डिग्री चैनल याद रखना है ये देखिए ठीक है क्या इतना हो जाएगा प्लीज मेमोराइज टेन डिग्री चैनल फर्स्ट पॉइंट लिटिल अंडमान कहां पे लोकेटेड है एंड ग्रेट निकोबर कहां पे लोकेटेड है इस न्यूज से संबंधित ये चीजें हैं ठीक है आइए देखते हैं न्यूज क्या आया न्यूज आया जस्ट देखिए न्यूज आया अ टूरिज्म एंड पोर्ट डेवलपमेंट इन अंडमान निकोबर आईलैंड टूरिज्म एंड पोर्ट डेवलपमेंट और कहा गया ये टूरिज्म और पोर्ट डेवलपमेंट ट्राइबल्स पे तो इंपैक्ट करेगा ही एक टर्टल है लेदर बैक टर्टल उस पर सबसे ज्यादा लेदर बैक टर्टल ये देखिए ये देखिए लेदर बैक टर्टल ये देखिए जस्ट जब तो हम चेहरा दिखा दें आप लोगों को ठीक है ये देखिए ये दो फौना ये देखिए ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखिए कितना कनिंग लग रहा है ये ठीक है कनिंग और ये देखिए लेदर बैक टर्टल ये कितना कितना भोला लग रहा है नहीं तो ये देखिए ये दोनों यहां पाए जाते हैं लेदर बैक टर्टल का हैबिटेट खराब हो जाएगा इस पोर्ट डेवलपमेंट से ठीक है तो हैव अ लुक हैव अ लुक अरे इंदिरा पॉइंट सुनिए थोड़ा सा थो, ध्यान दीजिएगा इंदिरा पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ लास्ट पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड सुनामी में डूब गया था ठीक डूब डूब गया था लास्ट पॉइंट ठीक है सबसे दक्षिण में जो इंडिया का लोकेटेड है ठीक है आइलैंड्स में ठीक है ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट देखिए पे इस जैसे ही डूबा जो सबसे मोस्ट पॉइंट ऊपर में दिख रहा है उसका नाम इंदिरा पॉइंट पड़ गया बस दैट्स इट इंदिरा पॉइंट इज अ रिलेटिव लोकेशन जो अंतिम टिप दिखेगा ना जमीन टुकड़ा ऊपर में उसे इंदिरा पॉइंट नाम दे दिया जाए दैट्स इट ठीक है क्लियर है इंदिरा पॉइंट का ये कंसेप्ट याद कर लीजिए इंदिरा पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ठीक है अगर ये ये मान ली सुनामी आया ये डूब गया तो ये लास्ट पॉइंट दैट्स इट क्लियर अब आइए देखते हैं अब आइए देखते हैं ये लेदर बैक टर्टल के बारे में क्या लिखा हुआ है भाई यहां पे इंपॉर्टेंट है ये ठीक है लेदर बैक टर्टल द लार्जेस्ट ऑफ द सेवन स्पीसीज ऑफ सी टर्टल ओके अभी नोट कीजिए स्टूडेंट्स अभी नोट कीजिए ये सी टर्टल है बिल्कुल सही एरिया से पाया जाता है सेवन स्पीसीज में से एक है और लार्जेस्ट लार्जेस्ट नोट कर लिया ये देखिए नेक्स्ट लेदर बैक टर्टल आर फाउंड इन ऑल ओशन एक्सेप्ट आर्टिक एंड अंटार्कटिक एटलांटिक एंड इंडियन ओशन में पाया जाता है इसका साफ साफ मतलब आर्टिक बेल्ट में और अंटार्क्टिका में नहीं पाया जाता शायद टेम्परेचर को लेकर इसको परेशानी है ग्री कर रहे हैं आप लोग कोल्ड टेम्परेचर होंगे तो परेशानी होगी नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा इन इन इंडियन ओशन अब इंडियन ओशन में कहा पाया जाता है ध्यान दीजिए इट कम्स इन इंडोनेशिया इंडोनेशिया सुना है आपने श्रीलंका ये तो सुना होगा ना ठीक है एंड अंडमान निकोबार आइलैंड ये तो बिल्कुल सुना होगा ये तीन जगहों पे ये पाया जाता क्लियर ये देखिए इंडिया सॉरी इंडोनेशिया श्रीलंका और इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड ठीक है उसके बाद देखिए इसको लिस्ट किया गया इंडिया में इंडिया में एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सुना है आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये एक अम्ब्रेला एक्ट है अम्ब्रेला एक्ट इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या दिया हुआ ध्यान दीजिएगा बहुत बड़ा एक्ट है अम्ब्रेला एक्ट मीनस बहुत बड़ा एक्ट है ठीक है इसमें दिया हुआ है लिस्ट शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री शेड्यूल फोर एंड शेड्यूल फाइव इसमें क्या दिया है? शेड्यूल वॉट लिस्ट ठीक है <laughs> इस लिस्ट में जो लिस्ट वन है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया स्पीसी मीन्स हर शेड्यूल में नाम आए हैं एनिमल्स के और बगल में लिखा हुआ है क्या होगा अगर इन एनिमल्स को आप मारोगे तो ठीक है हाईएस्ट प्रोटेक्शन गारंटीड है जिसे लेदर है यार मेरा नाम शेड्यूल वन में है यानी भारत सरकार मेरी चिंता करती है तुम्हारा नाम शेड्यूल टू में है ठीक है ऐसे करके लोग बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल्स हाइएस्ट प्रोटेक्शन अब ध्यान दीजिए इसमें वो ब्लैक बक भी है याद है कुछ ब्लैक बक का क्या हुआ था सीन कोई हंट करेगा उस पर केस होगा ठीक है जुडिशरी में केस जाएगा ठीक है हल्ला मचेगा बात समझ में आ रही है उसमें जेल है पेनाल्टी है सब कुछ दिया हुआ है अम्ब्रेला एक्ट मींस बड़ा सा एक्ट उसके अंदर छोटे छोटे एक्ट्स ठीक है यस यस मैंने फोटो नहीं डाला आप लोग अब समझ लिए भाई ठीक है तो शेड्यूल वन में ही ब्लैक बक भाई साहब के साथ में ही लेदर बैक टर्टल भी है लेदर बैक टर्टल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी है ये देखिए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल don't you agree that they are they have been given the highest protection highest protection ठीक है ठीक है highest protection और ये देखिए अब इसके बाद न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा अच्छे तरीके से ठीक है अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे दैट अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सर्वे किया गया पिछले थ्री डिकेड्स का सर्वे सॉरी तो हाँ पास थ्री डिकेड्स का सर्वे ये बताता है कि ये नेस्टिंग करने के लिए आते हैं बीच पर नेस्टिंग साइट्स याद है कुछ ओलिव रिडले टर्टल्स का नेस्टिंग साइट याद है वो आते हैं एग्स ले करने के लिए बीच पे तो नेस्टिंग साइट्स कहाँ पे इनके अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ध्यान दीजिएगा इट्स रिटर्न आउट हेयर नेस्टिंग साइट्स आर एट थ्री लोकेशंस इन अंडमान निकोबार फर्स्ट इज लिटिल अंडमान लिटिल अंडमान में दो लोकेशन है इनके नेस्टिंग के लिए क्लियर एंड थर्ड इज ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड ग्रेट निकोबार क्या ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा इनका फेवरेट डेस्टिनेशन नेस्टिंग के लिए कहां पे है स्टूडेंट्स ऑन लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार इसलिए मैंने आज मार्क करवाया है आप लोगों को ये दो लोकेशंस लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार ये पूछ करते हैं एग्स ले करने के लिए दैट्स इट नेस्टिंग साइट और ये बताइए क्या लिटिल अंडमान में डेवलपमेंट हो रहा है पोर्ट का टूरिज्म डेवलप हो रहा है क्या इससे चिंता की बात है लेदर बैग टोटल के लिए टेल मी इज दिस गोइंग टू क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम यस आल्सो नॉट ओनली दिस नॉट ओनली दिस इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑल्सो नेस्टिंग साइट नेस्टिंग साइट ग्रेट निकोबार वहां भी आते हैं ये और वहां कहां पे आते हैं ध्यान दीजिएगा वहां पे कहां पे आते हैं ध्यान दीजिएगा वहां पे दगमर रिवर है दगमर रिवर जरूर से लिख लीजिए दगमर रिवर इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड एलेग्जेंड्रिया रिवर एलेग्जेंड्रिया रिवर, रिवर ये देखिए एलेग्जेंड्रिया नदी और दगमर नदी ग्रेट निकोबार आइलैंड्स जो सबसे दक्षिण में आइलैंड है और वहीं पे उसी जगह पे ठीक है उसी जगह पे उ, उसके अलावा एक और नदी है गलाथिया नदी गलाथिया जी ए एल ए टी एच ई ए गलाथिया रिवर क्लियर अब ये देखिए डगमर एलेक्जेंड्रिया गलाथिया ये तीन नदियां जहां पे कहां पे हैं ग्रेट निकोबार में और इन तीन नदियों के माउथ पे रिवर माउथ पे इनकी नेस्टिंग साइट और गलाथिया रिवर तो बहुत फेमस है भाई गलाथिया रिवर के ही नाम पे नाम पड़ा है गलाथिया बे नेशनल पार्क देखिए गलाथिया लुक। देखिए गलाथिया बे नेशनल पार्क इंदिरा पॉइंट के जस्ट ऊपर ये सबसे सदन मोस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का जरूर से याद कर लीजिएगा क्लियर जरूर से याद कर लीजिएगा और क्या ये ग्रेट निकोबार को बायोस्फीयर रिजर्व डिनोट किया गया बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये देखिए इसके अंदर गलाथिया बे नेशनल पार्क एंड कैंप बेल बे नेशनल पार्क ये देखिए बे मींस बे ऑफ बंगाल जैसे बे मींस अ पार्ट ऑफ लैंड जहां सी आ गया है जो पहले जमीन ऑक्यूपाई कर रहा था वहां पर सी ऑक्यूपाई कर रहा है तो गलाथिया बे याद कर लीजिए यूपीएससी सवाल पूछ सकती है द सदर मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया गलाथिया दैट्स इट यहां क्या पाया जाता है लेदर बैक टर्टल ठीक है क्या इतना हो जाएगा स्टूडेंट्स ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व मैंने यहां अटैच किया हुआ डेटा जरूर से पढ़ लीजिएगा अब इतने डिटेल में कोई पढ़ाएगा नहीं मैंने पढ़ा दिया आज ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग यानी कि इस न्यूज को ये न्यूज मैंने क्यों पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज एंड मेंस के लिए डोंट यू थिंक इकोनॉमी का असर पर्यावरण पे पड़ रहा है यू कैन लिंक दिस वर्ड्स इज दिस प्रोजेक्ट वर्थ गोइंग फॉर नो इज दिस प्रोजेक्ट वर्थ गोइंग फॉर नॉट एट ऑल इफ दिस ब्रिंग सच अ डिजास्टर इन दिस बेल्ट हमें नहीं पता कि ये टर्टल्स क्या उस फूड चेन में कितना बड़ा रोल है हम जान भी नहीं पाएंगे लेकिन हमें इतना पता है लेदर बैक टर्टल्स खत्म हो जाएंगे अगर अंडमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला तो चलिए आगे बढ़ जाए आज का अगला न्यूज ये देखिए एक और न्यूज है मैंडर इन डक ये देखिए चाइना से आया है ये चाइना का डक आ गया अब इंडिया ये देखिए कितना कलरफुल डक है लग रहा किसी ने पेंट किया है बहुत दिन बाद आया है यस यस आस्क मी क्वेश्चन बिल्कुल सवाल पूछिए ठीक है अब ये देखिए डक मैंडरिन डक कलरफुल डक है वो लुक इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज अ रेयर एंड ब्यूटीफुल विजिटर टू असम मैंडरिन का मतलब ये देखिए चाइना चाइना का ये डक ठीक है मैंडरिन भाषा वहां बोली जाती है मैंडरिन डक नाम है वहां पे ठीक है अब ये डक इंडिया में जल्दी नहीं आता लेकिन इस बार आ गया ठीक है और ये देखिए ये देखिए यहां ये कहा आया है मगूरी मोटापंग बील, यानी वेटलैंड मगूरी ये देखिए यहां लिखा हुआ है जस्ट अ मिनट ये देखिए मगूरी मोटापंग वेटलैंड मगूरी मोतापंग मोतापुंग वेटलैंड मगूरी मोतापुंग वेटलैंड नहीं, नहीं नहीं कोई बीमारी लेकर नहीं आया भाई देखिए कितना ब्यूटीफुल आया है यहाँ पे घूमने आया है ठीक है मगुरी मोतापुंग वेटलैंड ठीक है ये देखिए हो सकता है भाग कर आया हो कुछ भी हो सकता है भाई ठीक है लेकिन ये देखिए जहां आया है बहुत फेमस प्लेस है भाई बगजन ऑयल फील्ड के बगल में है शायद देखने आया है ऑयल में ऑयल फील्ड में आग कैसे लगी थी कैसे बुझाया गया है ये देखिए बगजन क्या ये डिब्रू सैखोवा के आसपास है डिब्रू सैखोवा ये देखिए डिब्रू सैखोवाट गॉट इट डिब्रू सैखोवा ये देखिए इसका साफ साफ मतलब देखिए मैं बस याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूं मगुरी मोटापुंग वेटलैंड कहां पाया जाता है याद आ रहेगा डक आया था बगजन का ऑयल फील्ड देखने आया था सर ने बोला था ठीक है आया नहीं आया याद करने के लिए बोल रहा हूं बगजन ऑयल फील्ड के बगल में और बगजन ऑयल फील्ड कहां पे है डिब्रू के बगल याद कर लीजिए ठीक है क्लियर अब ये देखिए यहां लिखा हुआ है मगुरी मोटापुंग वेटलैंड इंपॉर्टेंट हो गया यह एक इंडिया का इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है और बर्ड्स के लिए कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में बी एन एच एस सुना है आपने मैंने बी एन एच एस पे पूरा लिया हुआ है एक सेशन करंट अफेयर्स में बी एन एच एस लुक्स आफ्टर द बर्ड्स बर्ड्स को लेकर स्पेशल फोकस बी एन एच एस का बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी डेट्स इट अब समझ में आ गया आपको ये एक मगूरी मोटापुंग वेटलैंड एक बर्ड एरिया है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया और यहां पे मैंडरिन डक चाइना से आया ठीक है बस इतना याद कर लीजिए मगुरी मोटापोंग का लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गया और इसे देखने के लिए लोग भाग रहे हैं वहां पे ठीक है हम लोग नहीं जा पाएंगे भाई यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं इसी से काम चलाना पड़ेगा यहीं से देखकर एग्जाम में लिखना भी है ठीक है आइए आगे बढ़ जाए हम लोग अगला न्यूज ये देखिए उधर डक आया इधर डक आया इंडिया इधर तालिबान चले गए अफगान सिटीज में ठीक है तालिबान अब क्लोजिंग इन ऑन अफगान सिटीज पुशिंग कंट्री टू द ब्रिंक मिस्टर डीटी आ गए अब ठीक है मिस्टर डीटी क्या इन्होंने विड्रॉ करने के लिए अफगानिस्तान से अफगान पीस प्रोसेस चालू किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर अफगान पीस प्रोसेस <laughs> ये देखिए <laughs> इससे का सवाल है डिस्कस कर देंगे विक्की ठीक है का एक सेशन मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी ऐप पर कि ये कोर्ट बेस्ड हुआस कैसे शुरू किया जाए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स डालने पड़ेंगे आपको ठीक है तो मैं ये 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 अलग से डिस्कस कर दूंगा देखिए पहले यहां पे ये कतर में शुरू किया गया था और जल्दी से मिस्टर डीटी कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि हम ट्रंप्रॉ कर जाएंगे यूएस विद्रॉ कर जाएगा सुनते ही तालिबान खुशी से कूद पड़ा दैट अगर यूएस विद्रॉ करेगा हम अफगान सिटीज पे कैप्चर कर सकते हैं तालिबान किसी भी कंटेक्स में कम नहीं किया वायलेंस तालिबान वायलेंस इज ग्रोइंग ऑन डू यू एग्री अ कंजर्वेटिव ग्रुप ऑफ पीपल कंजर्वेटिव पीपल जो इस्लाम को मिडिवल मिडिबल टाइम्स के इस्लाम को इंप्लीमेंट कर रहे थे अफगानिस्तान में बिफोर द यूएस एस अटैक अफगानिस्तान आफ्टर द नाइन इलेवन अटैक्स ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर याद है नाइन इलेवन अटैक्स न्यूज में आया था बहुत पहले और यही वजह स्टूडेंट्स क्या यह चिंता की बात है तालिबान क्लोजिंग इन ऑन अफगान सिटीज क्या यह चिंता की बात है इंडिया के लिए मुझे बताइए चैट बॉक्स में यह इंडिया के लिए बहुत चिंता की बात है डी कोड इंटलिंग अप्रोच इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कल ही एक न्यूज आया था कल एक न्यूज आया था हेरत में ब्लास्ट हेरत में ऑयल टैंकर में आग लगी थी याद है कुछ क्या ये इंडिया के लिए चिंता की बात बहुत चिंता की बात क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान जो तालिबान का जो ग्रुप है इट्स एंटी इंडियन स्टांस ठीक है और तालिबान अफगानिस्तान पर डिपेंड करेगा एशिया का पीस अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया का नाम दिया गया है अफगानिस्तान इज लाइक अ हार्ट ऑफ एशिया दैट्स इट सेंटर ऑफ एशिया हार्ट ऑफ एशिया नहीं नहीं तालिबान यहीं के लोग थे भाई तालिबान यहीं के लोग थे देखिए मैं बता दूं तालिबान के बारे में मैंने पहले भी एक शॉर्ट में बताया हुआ है बस दो मिनट का लगेगा टाइम ये देखिए सब कुछ ठीक चल रहा था जस्ट अ मिनट सब कुछ ठीक चल रहा था अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में दो ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान हैज़ टू ग्रुप्स ध्यान दीजिएगा वन वॉज द लैंड द वॉर लॉर्ड्स ठीक है जिनके पास जमीनें हैं वही जो जमींदारी सिस्टम की तरह ठीक है इनको और एक जो ट्राइबल्स हैं लोग हैं ये जो जमीन वाले लोग हैं वारलॉड्स हैं ये ताजिकिस्तान से आए हैं तुर्कमेनिस्तान से आए हैं उज़्बेकिस्तान से आए हैं सुना है आपने ये कंट्रीज तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान इसके नॉर्थ में ये कंट्रीज तो ध्यान दीजिए इनके पास सारी ज़मीनें थी और इनको रशिया का सपोर्ट यूएसएसआर का सोवियत यूनियन का ठीक है और 1979 में सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी यहां डाल दी अफगानिस्तान में कोल्ड वॉर के समय ठीक है और तालिबान और ट्राइबल्स को ट्राइबल्स ट्राइबल्स के लिए अब जब रशिया वहां पे आ गया सोवियत यूनियन तो कोल्ड वॉर यही कहता है कि यूएस भी वहां पे आएगा कहीं ना कहीं से यूएस ने ट्राइबल्स को सपोर्ट करना शुरू किया ट्रेनिंग देकर ठीक है ट्रेनिंग देकर इनको इनको सपोर्ट करना शुरू किया ठीक है बाद में यूएसएसआर 1979 में एंट्री किया था अफगानिस्तान में 1989 में उसे विड्रॉ करना पड़ा यूएसएसआर की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी और यूएसएसआर डिस कर गया टूट गया यूएसएसआर आज रशिया अलग है चौदह देश अलग है यूएसएसआर से फोर्टीन कंट्रीज हैव गोट सेपरेटेड फ्रॉम सोवियत यूनियन लेकिन जो यूएस ने जिन जिन लोगों को सपोर्ट किया था ट्राइबल्स को वही वही ट्राइबल्स आगे जाकर बनाते हैं कुछ ग्रुप्स बनाते हैं तालिबान और उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वो बनाता है अलकायदा ग्रुप एग्री कर रहे हैं टर्मी स्टूडेंट्स दैट्स इट कोल्ड वॉर के समय की गई एक गलती आज एशिया का पीस प्रोसेस डिस्टेबलाइज कर रहा है वही है तालिबान एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जिसे ट्रेनिंग दी गई थी ठीक है पाकिस्तान का भी बड़ा हाथ अरब कंट्रीज का भी बड़ा हाथ और यूएस का भी बड़ा हाथ ट्रेनिंग देने में डेट्स इट और आज देखिए यानी कि ध्यान दीजिए क्या तर... जितने टेररिस्ट आउटफिट्स हैं टर्मी स्टूडेंट्स क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे विदाउट एनी कंट्री स्पॉन्सरिंग दम विदाउट एनी गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग दैम स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में लेट मी टेल यू अरे भाई एंटी इंडियन स्टांस इसलिए है उन वहां पे उस उन क्या कहते हैं तालिबान का बिकॉज तालिब, तालिबान का या अलकायदा का बिकॉज राइट सिंस द वेरी बिगनिंग राइट सिंस द वेरी बिगनिंग जिस क्या कहते हैं इंडिया को इंडिया को इस्लामिक कंट्रीज ने लेबल दे दिया दैट इंडिया भी अलग है यूएस यूएसए एंड यूएसएसआर भी अलग है वहां क्रिश्चैनिटी है वहां हिंदुज्म है यहां इस्लाम है कंजर्वेटिव इस्लाम तालिबान कहता है दैट्स इट ठीक है इंडिया पाकिस्तान के इंडिया पाकिस्तान के कंट्रोवर्सी में ये तालिबान किसको सपोर्ट करेंगे यू कैन इमेजिन वो पाकिस्तान को भी नहीं सपोर्ट करता है वो कहता है नहीं नहीं वो मैं देखूंगा सब कुछ ऐसा कंसेप्ट तालिबान का डेंजरस डेंजरस आउटफिट कैन इमेजिन क्लियर चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग स्टूडेंट्स तो ये न्यूज कहां लिंक होगा इंडिया इट्स नेबरहुड Tell me one thing. क्या इंडिया का नेबरहुड डिस्टेबिलाईज हो रहा है या कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स आ रहे हैं सराउंडिंग से यस yes, ये भी एक न्यूज है चलिए तो आगे बढ़ जाए ट्वेंटी वर्ड्स निकालिएगा इट मे दिस न्यूज तालिबान क्लोजिंग इन ऑन अफगान सिटीज मे डिस्टर्ब इंडिया नेबरहुड ट्वेंटी वर्ड्स लिंक करना है आपको कहा गया इंडिया अफगान रिलेशन पे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड पे जीएस पेपर टू मे डिस्टर्ब इंडियाज नेबरहुड भाई देखिए मैं बता दूं आपको कि यूएस हो या चा, अभी चाइना की एंट्री हो रही है इस जगह पे यूएस और चाइना या यूएसएसआर ये तीनों देश अपने फायदे के लिए फायदे के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया किसने किसी ना किसी आउटफिट को डू यू एग्री विद मी टेल मी आइए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट न्यूज संदेश मैसेजिंग एप संदेश ऐप मेड इन इंडिया मैसेजिंग ऐप ये देखिए व्हाट्सएप व्हाट्सएप के लाइंस पे ये बनाया गया संदेश ऐप क्या ये आत्मनिर्भरता दिखा रहा है हमारा मैसेजिंग में ठीक है ओके okay. और ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने एनआईसी प्लेटफॉर्म ने एनआईसी का इस, ये क्या कहते हैं एनआईसी ने इसको लॉन्च किया है संदेश मैसेजिंग दिस बिग बिग यू कैन से अचीवमेंट फॉर इंडिया यस बिग अचीवमेंट क्लियर अरे चाइना का तो फैक्टर वहां पे तालिबान अफगानिस्तान में चाइना का बहुत कॉम्प्लेक्स एंट्री हो रहा है ठीक है मच इज टू सी की आगे चलकर क्या होगा लेकिन अफगानिस्तान हब ऑफ अनरेस्ट एट प्रेजेंट एंड मल्टीपल प्लेयर्स आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स मल्टीपल प्लेयर्स उसमें एंट्री ले रहे हैं उसमें चाइना भी एक देश ठीक है तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ये देखिए व्हाट्सएप के लाइन पे बनाया गया संदेश ये दिखाता है मेड इन इंडिया मैसेजिंग ऐप यह दिखाता है इंडिया का आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन डू यू एग्री टेल मी लिंक कीजिएगा कहां लिंक करना है सिंपल यहां से और कुछ नहीं आएगा मैं बता दूं आपको okay. ये लिंक करना है आपको संदेश मैसेजिंग ऐप ट्वेंटी वर्ड्स मेंस में अगर कोई सवाल आया सेल्फ रिलायंट इंडिया के ऊपर क्लियर और के लिए आपका आज होमवर्क है एक नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर एनआईसी सुना है आपने आपको इसका फंक्शन निकाल फंक्शन या रोल तो देखिएगा इंडिया में यह बताइए क्या क्या साइबर सिक्योरिटी के लिए एक टीम डेवलप की गई हुई है पहले से ही सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन टीम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट सी इन सर्ट इन का भी फंक्शन थोड़ा देख लीजिए क्लियर है स्टूडेंट्स एनआईसी और सर्ट इन सर्ट इन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके फंक्शन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फ्लो चार्ट मुझे चाहिए मैं भी कल फ्लो चार्ट होमवर्क है आपका आज का मैं भी कल फ्लो चार्ट लाऊंगा सर्ट इन का जैसे मैंने आज फ्लो चार्ट बनाया इंडिया चाइना और इसराइल का ठीक है एग्रीकल्चर में तो क्या ये होमवर्क क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग मुझे लिखिए चैट बॉक्स में नेक्स्ट आइए आगे बढ़ जाए अगला न्यूज ये देखिए वेस्ट एशिया डायनामिक्स ये देखिए ये अलग ही चल रहा है भाई वहां पर वेस्ट एशिया फिर से आ गया न्यूज में इसराइल ने मिसाइल स्ट्राइक किया है ठीक है इज़राइल ने मिसाइल स्ट्राइक किया है सीरिया पे किलिंग नाइन वेस्ट एशियन डायनामिक्स एक न्यूज पिछले छह महीने में बस जनवरी पंद्रह से लेकर तीस तक न्यूज नहीं था नहीं तो रोज मैंने एक स्लाइड डिवोट कर दिया था वेस्ट एशिया में कुछ ना कुछ तो इसराइल का मिसाइल स्ट्राइक ने सीरिया में नौ लोगों को मार दिया मैं बता दूं वेस्ट एशिया में कुछ ऐसा कंसेप्ट है दिस इज वेस्ट एशिया ईरान एंड सीरिया आर वन अलाई मींस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ठीक है ईरान सीरिया और इराक भी कहते हैं इराक टू सम क्योंकि इस सारी बेल्ट में शिया शिया ग्रुप रहता है शिया ऑफ़ इस्लाम, बाकी जगहों पे सुन्नी इस्लाम के लोग फॉलोअर्स रहते हैं ठीक है ये देखिए सऊदी अरब यमन बाकी जगहों पे, ठीक है अब ये सीरिया पे अटैक करने का मतलब है ईरान पे अटैक करना कौन अटैक कर रहा है इसराइल इसराइल में कौन रहता है जूस यहूदी एग्री कर रहे हो ठीक नहीं नहीं मैंने ऑस्ट्रेलियन प्लेट को नहीं कहा था ओल्डेस्ट प्लेट मैंने ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट के रॉक को कहा था ओल्डेस्ट रॉक शील्ड रॉक शील्ड शील्ड रॉक ऑस्ट्रेलियन शील्ड इज द ओल्डेस्ट रॉक ठीक है स्टेबल है मूव ही नहीं कर रहा है एरोजन रेजिस्टेंट हो चुका है ऑस्ट्रेलियन शील्ड कैनेडियन शील्ड आप जियोमार्फोलॉजी में पढ़िएगा स्टूडेंट्स दैट शील्ड रॉक्स आप बस जाइए एटलस देखिए फिजिकल मैप देखिए एटलस में वर्ल्ड का शील्ड जहां गई है शील्ड दस्ट रॉक्सिफ्ट ठीक है तो आइए इसमें देखिए पहले देखा जाए ये देखिए ईरान क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने ये आंसर किया देखिए कमिंग बैक टू द न्यूज ईरान सीरिया अब सीरिया से क्या दुश्मनी है इसराइल की अरे इसराइल को वहां कोई को नहीं चाहता था उस जगह पे इसराइल को इस्टेब्लिश किया गया था किसने स्टैब्लिश किया था यूके और फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसराइल ये देखिए क्या इसका कोस्ट मेडिटेरेनियन सी पे है क्या ये सीरिया है यहाँ पे ये देखिए क्या यहाँ पे लेबनान है एटलस में देखिए क्या इसका भी समुद्री तट मेडिटेरेनियन सी पे है हैव वो लुक भाई इसराइल अटैक नहीं करेगा टेलमी स्टूडेंट्स यहाँ पे यहाँ पे सीरिया की तरफ से टेररिस्ट ग्रुप्स यहां टेरर ग्रुप्स हैं हिजबोल्ला हिजबोल्ला टेरर ग्रुप ठीक है लेबनन में भी इसके इस्टेब्लिशमेंट्स हैं सीरिया में भी हैं ठीक है कहा जाता है कि हिजबोल्ला को ईरान का सपोर्ट है सीरिया का सपोर्ट है अटैक कर रहा है इसराइल पर तो इसराइल कह रहा है यार बार बार परेशान कर रहे हो एक ही बार अटैक कर देते हैं खत्म करते हैं तुमको सीरिया पर ठीक है बात समझ में आ रही है तो ये देखिए ये लेबनान ये इसराइल ये सीरिया इनके बीच में एक अब आप बोलेगा सर हिजबोला क्यों अटैक कर रहा है भाई हिजबोला को क्या लेना देना लेना देना है यहां पे ध्यान दीजिएगा बहुत पहले बहुत पहले 1967 में ये सारे इस्लामिक कंट्रीज ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर वो इसराइल को यहां चाहते ही नहीं थे वेस्ट एशिया में ये देखिए वेस्ट एशिया पश्चिमी एशिया यहां इसराइल को वो चाहते ही नहीं थे ये सब ने मिलकर अटैक किया ठीक है इसराइल ने कहा अभी बताते हैं ठीक है इसराइल ने कहा अभी बताते हैं यूएस सपोर्टेड मिसाइल्स थे उसके पास उसने सबको खत्म किया वहां पे इतना ही नहीं इट कैप्चर्ड सम टेरिटरी फ्रॉम सीरिया अ लुक उसी टेरिटरी का नाम है गोल्डन हाइट्स सुना है आपने यस <laughs> यस yes, yes. हिजबोला इज ईरान सपोर्टेड कहा जाता है देखिए टेरर ग्रुप्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट करता है और इसराइल कहता है दैट ईरान सपोर्ट करता है हिजबोल्ला को ठीक है तो ये देखिए सीरिया का गोलन हाइट्स कैप्चर कर लिया इसराइल ने कहा अटैक किया मेरे पे अभी बता रहा हूं ठीक है तुम्हें तो हराऊंगा भी और ये एरिया भी कैप्चर कर लूंगा यूपीएससी ने इस एरिया को बिल्कुल पढ़ लिया गोलन हाइट्स एंड 2016 में यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया गोलन हाइट्स वर्ल्ड में कहां है बहुत इजी क्वेश्चन 2016 अरे कहां है? वेस्ट एशिया में है? इतना इजी क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा मोरल यही है स्टोरी का ठीक है मोराल यही है स्टोरी का कि इतना इजी सवाल नहीं आएगा अब सवाल आएगा गोलन हाइट्स कौन से तीन कंट्रीज के बीच में है डिस्प्यूटेड बेल्ट लेबन सॉरी फोर कंट्रीज सीरिया लेबन इजराइल एंड जॉर्डन ये देखिए आप चार देशों के बीच में सैंडविस्ट ये देखिए गोल्डन हाइट्स दैट्स इट अब क्लियर हो गया मुझे बताइए आप लोग अब ये क्लियर हुआ पॉइंट सीरिया और इसराइल में वॉर चल रहा है ठीक है सीरिया कह रहा है यार मेरी जमीन कैप्चर कर लिए यार उस दिन उस समय से कैप्चर किए हुए अब तो वापस कर दो इसराइल कह रहा है अभी बताते हैं ठीक है और ये देखिए ठीक है व्हाट इट क्लियर क्या ये क्लियर हुआ पॉइंट टर्मी स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ जाए हम लोग <laughs> अगला न्यूज देखिए टू मिनट एक और न्यूज है ये देखिए पहला न्यूज जो डिस्कस नहीं किया मैंने <laughs> इंडिया इंडिया मैप्स द जियो स्पेशल इंडिया मैप्स है, है सीरिया में क्या है सीरिया को भी नहीं पता ग्रुप फाइट कर रहे हैं सीरिया इज इन वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ अफेयर सीरिया कंडीशन बहुत खराब है सीरिया नहीं पूरे वेस्ट एशिया विद मी ये देखिए सीरिया का आपको मैप दिखा दे पहले बताए सीरिया में कितने ग्रुप्स हैं ध्यान दीजिएगा सीरिया Syria में पहले सीरियंस हैं ये सीरियंस दो में डिवाइडेड हैं एक गवर्नमेंट सपोर्ट वाले सीरियंस इनको रशिया सपोर्ट करता है एक गवर्नमेंट के अपोज में सीरियंस गवर्नमेंट अपोजिंग सीरियंस ठीक है सीरिया के लोग उसको यूएस सपोर्ट करता है ठीक है सुनिएगा दो ग्रुप तो यहीं पे हो गए फिर एक इस्लामिक स्टेट आता है वो कहता है मैं किसी को नहीं मानता मैं खुद को मानता हूं ठीक है आ गया रही यार ये कहाँ से आ गया तभी वहां पे आते हैं कुर्द वो कहते हैं कुर्द्स कि मुझे भाई मुझे जमीन चाहिए अलग ठीक है मुझे जमीन अलग चाहिए यहाँ पे इस बेल्ट में मैं कुर्दिस्तान बनाऊंगा इस जगह पे खुद रशिया और यूएस कंफ्यूज वहां के लोग कि कितने गुट यहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग ठीक है उसके बाद कुछ प्रोएक्टिव ग्रुप्स हैं सिविल ग्रुप्स हैं ठीक है वो कह रहे हैं कि यहां पे हम सबको रिफॉर्म करेंगे ठीक है लेकिन खुद ही रिफॉर्म हो जा रहे हैं ठीक है भगवान को प्यारे ठीक है उसमें इसराइल आ रहा है बोल रहा है मैं भी अटैक करूंगा ठीक है ये देखिए गवर्नमेंट सब सीरियंस में दो पार्ट फिर इस्लामिक स्टेट फिर कुर्दिस्तान फिर सिविल ग्रुप्स फिर इसराइल आ रहा है बीच में सब खत्म आप सोचिए खुद बताइए कि वहां पे क्या खिचड़ी मची हुई है सीरिया में मैंने सीरिया का एग्जांपल दिया था कि क्या यहां पे कोई एफडीआई करेगा जो एफडीआई करता है दोस्ती करता है इस ग्रुप से ये पांच छह ग्रुप पहुंच जाएंगे उसी फैक्ट्री में यार सुना एफडीआई की हो हमसे भी मिलके जाओ ठीक है इट और अब चाइना चाइना कह रहा है यार इतना अच्छा देश है सीरिया सब कोई एंट्री किया हुआ है मैं क्यों पीछे रह ठीक है मैं भी चलता हूं पे चाइना की भी एंट्री चाइना की एंट्री हो रही है वेस्ट एशिया में अब सो अब सोच लीजिए उसमें इंडिया सारे ग्रुप को चावल भेजता है राइस ठीक है चलो भाई मैं राइस एक्सपोर्ट कर दे रहा हूं चावल खाओ पहले आराम से रहो ठीक है अब सोचिए और बाकी सब बाकी सब क्या भेज रहे हैं आम से नामोनिशन वहां भेज रहे हैं ठीक है चलो यार लड़ो मैं भी आ रहा हूं अब जंग छोड़ना नहीं है ठीक है डटे रहना है वहां पर मैं आ रहा हूं मैं चाइना हूं मैं रशिया हूं मैं अमेरिका हूं इस्लामिक स्टेट कोई है कोई कुर्स है कोई सिविल ग्रुप से अब समझ लीजिए कि इस बेल्ट को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है सीरिया को ठीक है इट ठीक है तो दिस इज इट अबाउट सीरिया चलिए वापस आते हैं ठीक है <laughs> मैं नहीं कहा मैंने कि सीरिया में सरकार को भी नहीं पता है कि कौन कितना रीजन उसके अंडर में ये भी नहीं पता है तो आइए अगला न्यूज देखते हैं कल का यह लाइवमेंट का न्यूज है ठीक है रूल्स ऑन जियो स्पेशल डेटा मैप्स लिबरलाइज ओके मैप जियो स्पेशल डेटा लोकेशन लोकेशन डेटा क्या इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स ये बताइए क्या क्या मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं ठीक है क्लियर आप तो यूपीएससी एस्पिरेंट है आपको एटलस का भाई ज्ञान जरूरी है ठीक है आपके लिए तो ये यूपीएससी में क्वालिफाई करने का एक नेसरी इंग्रेडिएंट है आपको मैपिंग आनी चाहिए ठीक है लेकिन टेल मी आर मैप्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर इकोनॉमी और सोसाइटी टेल मी एंड ऑल्सो फॉर द कंट्री द नेशनलिज्म यस आप, yes. आप बताइए गूगल मैप ही ना आपको हेल्प करता है यहां से वहां पहुंचने में ठीक है आप बताइए गूगल मैप आप हमेशा चेक करते हैं कितना किलोमीटर दूर है कोई लोकेशन तब वहां से घर से निकलते हैं उला, उला भी चेक करता है, उबर कैब भी चेक करता है चेक करता है कितनी दूर है बताता है ठीक है प्राइस आप सब कुछ सेट है उसी के ऊपर और मैपिंग में मैपिंग में क्रिएशन ऑफ मैप्स एंड डिसमिनेशन ऑफ लोकेशन बेस्ड मैप्स इट शुड बी लिबरलाइज डू यू एग्री लेकिन मैपिंग इंडस्ट्री पर सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शंस थे ठीक है अभी रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए गए थे तीन चार साल पहले और अब इंडिया ने लिबरलाइज कर दिया रेगुलेशन मैपिंग के फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए और सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए डोंट यू थिंक मैप्स आर रिक्वायर्ड फॉर एम्पावरमेंट मुझे बताइए अब बताइए स्टूडेंट आप जब जाते हैं व्हेन यू गो टू द कलेक्टर ऑफिस ऑफिस में आप पीछे क्या देखते हैं चेयर के पीछे टंगा हुआ है मैप डिस्ट्रिक्ट का मैप जिले का मैप मैं तो कहता हूं विदाउट ज्योग्राफी इज नो एडमिनिस्ट्रेशन डू यू एग्री विदाउट ज्योग्राफी विदाउट मैपिंग देयर कैन बी नो एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज जॉग्रफी फैक्ट यू विल हैव टू एग्री और मैं इसलिए कहता हूं ज्योग्राफी ऑप्शन वाले बच्चे बहुत लकी हैं ठीक है मैं भी ज्योग्राफी ऑप्शन का हूं ठीक है ट उनके बिना प्रशासन नहीं चल सकता एट एनी कॉस्ट दैट इट क्लियर अब ये देखे यहां पे यानी आप डीएम से पूछोगे कि कहां पे कलेक्टर से पूछोगे कि कहां पे क्या इंप्लीमेंट करना है कौन सा गांव कहां पे, तो मैप तो चाहिए होगा ना ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर के लिए आईपीएस के लिए क्या उसको भी मैप चाहिए यस ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या उसे मैप चाहिए यस आप बताइए इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ऑफिशियल्स क्या उन्हें भी मैप चाहिए सी पोर्ट्स का ठीक है फॉर एग्जाम्पल कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज ये बताइए इंडियन फॉरेन सर्विस क्या उन्हें भी मैप चाहिए यस yes. जा रहे युगांडा जा रहे युगांडा है कहां पे पहले चेक कर लिया जाए रवांडा कहां पे चेक कर लिया जाए ठीक है कांगो कहां पे चेक कर लिया जाए ठीक है नहीं सबको मैप चाहिए भाई और यूपीएससी एस्पिरेंट को मैप ही मैप चाहिए ग्रेट निकोबार आइलैंड ठीक है वॉट इट तो मैपिंग इंडस्ट्री देखिए ध्यान दीजिएगा सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस मैपिंग पे लगेंगे और अगर क्रिएट नहीं होंगे मैप्स इंडिया की तरफ से और डिसमिनेट नहीं होंगे मैप्स इंडिया की तरफ से तो क्या चिंता की बात होगी मैप बनाने के पहले और डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले नॉलेज अगर आप लाइसेंस लेना पड़ेगा तो चिंता की बात है इसका मतलब है बाहर की कंपनीज मैप बनाएंगे एंड इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय इंडियंस एज वेल एग्री ठीक है इसका साफ मतलब है हमें ये रेगुलेशन हटाने पड़ेंगे रेड टेपिजम हटाना पड़ेगा तभी इंडिया इनोवेट इनोवेट करेगा मैपिंग टेक में यस और ये देखिए इसरो एंड मैप माई इंडिया कंपनी ने ज्वाइन किया है <laughs> इंडिजिनस बिजनेस ऑल्टरनेटिव टू तो गूगल मैप्स इज दिस नीडेड टेल मी इज दिस नीडेड यस नीडेड इसरो एंड मैप माई इंडिया डॉट कॉम गूगल मैप्स का इंडिजिनस ऑल्टरनेट डेवलप किया जाए हमें चाहिए देखिए मैप इस्तेमाल हो ही रहा है इन एनी केस ठीक है बस हम लोग इस्तेमाल किसका कर रहे हैं जो एमएनसी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन लेट स्टेप इसलिए लिया वही तो बात नहीं समझ में आ रही दो में मैपिंग पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे अब लिबरेट किया गया है अब खुद देखिए वेन यू सर्च द मैप Even of Asia, of India. है। इंडिया का आपको एक दो मैप दिखेगा जो इंडिया की सरकार ने प्रद्यूस किया था यू सीन एनी इनिशियटिव रिगार्ड नॉट टिल डेट जब भी आप मैप ओपन करते हो इंडिया का मैप वर्ल्ड का मैप एशिया का मैप आपको ग्लोबल एजेंसी का मैप दिखता है आपने देखा होगा गॉटेड स्टूडेंट्स मैंने 2019 का करंट अफेयर्स अपलोड किया हुआ है आंसर प्रैक्टिस ग्रुप पे ठीक है मैं 2020 का भी अपलोड कर दूंगा डोंट वरी 2020 के मार्च तक का अपलोडेड है 2020 के 1 अप्रैल से ठीक है मैं भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चल रहा हूं 2020 के 1 अप्रैल से 2020 के 31 2021 के 31 मार्च तक 31 मार्च वो वो एक साथ आएगा करंट अफेयर्स पीडीएफ में डोंट वरी ठीक है तो ये क्या पाथ ब्रेकिंग माइल है यस yes. अब बस सवाल सवाल बस यहां पे एक बनता है आपके लिए स्टूडेंट्स एक सवाल तो बनता है यहां से वेल यू राइट द आंसर कल डिस्कस करते हुए चलेंगे इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा कंट्रीब्यूशन इस स्टेप का कंट्रीब्यूट बस सिंपल एंड चैलेंजेस क्या आएंगे इस स्टेप मुझे लिख कर कल लाना है ठीक है तीन चार पॉइंट लिखिएगा जैसे लिखता हूं लिखिएगा यस yes, यस yes, राहुल बिल्कुल सही मैप माई इंडिया इज मच मच ओल्डर बट उस पर उसके ठीक है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि लिबर, लिबरलाइज रेजिम था ही नहीं इंडिया में ठीक है क्लियर है कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्टेप एंड चैलेंजेस एग्री कर रहे हैं एंड चैलेंजेस इन दिस स्टेप ये आपका काम है स्टूडेंट्स आप लोग ये काम करके आइएगा कल कर यहीं से शुरू करेंगे हम लोग ठीक है गॉटेड और ये देखिए आज एक आर्टिकल आया है लास्ट में बस एक डिस्क, डिस्कस कर दे आर्टिकल आया है आज आ, एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया है छोटा सा। इंडियन इन्वेस्टमेंट्स एंड बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ कोलंबो कोलंबो में ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल ये द हिंदू का आर्टिकल है यही मुझे इंपॉर्टेंट दिखा आज ठीक है कोलंबो में क्या ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल बन रहा था क्या उससे इंडिया को इंडिया बाहर निकल गया है मी ठीक है इंडिया बाहर निकल गया इंडिया और जापान का ये इनिशिएटिव था मुझे बताइए स्टूडेंट्स क्या इतना पता है आपको जस्ट लास्ट वीक की बात है ठीक है 2019 दिस एग्रीमेंट वाज साइंड और अब 2021 में इंडिया और जापान को बाहर निकाल गया बाहर निकाल दिया गया ठीक है टेन मी वन थिंग डोट यू थिंकुडोन केस वोडाफोन केस याद कीजिए uh, में एक सेफ गार्ड की बात की गई है सेफ गार्ड क्या होता है जब भी कोई दूसरा देश या दूसरी कंपनी आकर इन्वेस्ट करती है आपके कंट्री में तो उसके पहले साइन होता है बाइलेट्रल इन्वेस्टमेंट ट्रेटीज वी आई टी जनाये आपने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ठीक है BIT और BIT में लिखा रहता है दैट देर शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ये देखिए ये आर्टिकल में लिखा हुआ है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू द फॉरेन कंपनी ठीक है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू द फॉरेन कंपनी जिसमें उसे ऐसे निकाल के बाहर नहीं कर दिया जाएगा टैक्स एक्सट्रा ले जाएगा फेयर एंड इक्विटेबल जो वहां की डोमेस्टिक कंपनीज़ को जितना प्रेफरेंस दिया जाएगा उतना ही बाहर की कंपनी ठीक है ठीक है अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये बताइए बिट यानी कि और ये पता है बिट एलपीजी रिफॉर्म्स का एक पार्ट है एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब क्या लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जब भी आप दूसरे देश से ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं बिट भी साइन होता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में बिट भी साइन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए यस मैं बताने वाला हूं मैं बताने वाला हूं ये ईसीटी क्यों इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए थोड़ा तो ध्यान दीजिए यहां पर लेकिन तो क्या इंडिया और श्रीलंका ने साइन किया था बिट ये देखिए यही आर्टिकल इधर भी लिखा हुआ है यस 1997 इंडिया श्रीलंका हैड साइंड बिट नाइनटीन नाइनटी उसमें लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट लिखा हुआ था उसमें इंडिया को कोई निकाल के बाहर नहीं कर देगा ठीक है ध्यान दीजिएगा फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट इज इज फाउंड इन एवरी बिट एवरी बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीट यह होना भी चाहिए ना मुझे बताइए चैट बॉक्स में क्या ये होना चाहिए यस yes, अब बताइए मुझे और इसमें अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है फेयर एंड इक्विटेबल यू कैन अप्रोच द ट्रिब्यूनल्स आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट यस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो डिस्प्यूट आ रहे हैं डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बात समझ में आ रही है ये सब था इस ट्रीटी में यहां लिखा हुआ है ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है दैट ट इंडिया को अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को इंडिया लीनियंटली ले रहा है इन चीजों को इंडिया को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा जैसा वोडाफोन ने किया और जैसा कैंट्स ने किया आर यू गेटिंग इट ठीक है और यह देखिए डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए मैकेनिज्म होता है ट्रिब्यूनल्स में जाया जाता है ठीक है लेकिन ध्यान दीजिए <laughs> श्रीलंका श्रीलंका और इंडिया का यह एग्रीमेंट श्रीलंका और इंडिया ने साइन किया इसका नेक्स्ट स्टेप श्रीलंका इंडिया साइन द ई सी टी डेवलपमेंट कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट इन टू थाउजेंड नाइनटीन एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन निकाल बाहर किया लेकिन इंडिया ने क्या इसके पहले कोई और गलती की थी वही बताया।, बताया जा रहा है इस आर्टिकल यस yes, इंडिया ने टू थाउजेंड में देखिए लिखा हुआ है टू थाउजेंड सेवेंटीन मिनट यहाँ लिखा हुआ है इंडिया यूनिलैटरली टर्मिनेटेड द इंडिया श्रीलंका बिट ऑन मार्च 2000। थाउजेंड यूनिल इंडिया ने टर्मिनेट कर दिया इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2017 में अब ये समझ के परे ये आर्टिकल यही बता रहा है कि जैसे ही आपने टर्मिनेट किया श्रीलंका फ्री हो गया श्रीलंका फ्री हो गया अपने हिसाब से काम करने में क्यों टर्मिनेट किया इंडिया बात समझ में आ रही है क्यों टर्मिनेट किया और आप बताइए क्या अगर टर्मिनेट नहीं करता तो क्या ईसीटी टर्मिनल को इंडिया के ईसीटी टर्मिनल में इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन दिया जाता टेलमी मी लेटरली मीन खुद से ही विड्रॉ कर गया उस टी से क्या प्रोटेक्शन मिलता ई ईसीटी को को टेलमी स्टूडेंट यस तो यहां लिखा हुआ एक लेसन देखिए इंपॉर्टेंट लेसन द इंपॉर्टेंट लेसन इज दैट इंडिया शुड इंडिया शुड सीरियसली टेक बिट्स बिट को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है और साइन करना भी बहुत जरूरी है और इंडिया शुड भी वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स इट्स अप्रोच नहीं तो इंडिया को लिनियंटली लिया जाएगा हमेशा लिनियंटली मींस हल्के में लिया जाएगा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्मिनेट करने से क्या इंडिया का एक इंप्रेशन जा रहा है दैट इंडिया यार हल्का वाला कंट्री है हटा दो यहां से यहां से हटा दो कोई भी हटा देगा क्या ये चिंता की बात है स्पेसिफिकली इवन चाइना और इंडिया दोनों का चल रहा है एशिया में इंडियन ओशन बेल्ट में चाइना चाइना और इंडिया का प्रेजेंस चल रहा है और चाइना इंडिया को लिमिटेड लिमिट करना चाह रहा है इट <laughs> बिल्कुल करने का कोई रीजन होगा ठीक है विड्रॉ करने का कोई रीजन होगा कुछ ना कुछ रीजन होगा बट टेल मी वन थिंग डोंट यू थिंक दैट जो भी रीजन रहा होगा इस दो के एग्रीमेंट के पहले इंडिया को एक ट्रीटी साइन करना जरूरी था इस इस ईसीटी टर्मिनल के प्रोजेक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए <laughs> कोई ना कोई रीजन होगा बिल्कुल लेकिन टेल मी क्या 2019 के जैसे ही पैक्ट साइन किया गया ईसीटी टर्मिनल का क्या इंडिया शुड हैव गॉन विद एटलीस्ट प्रोटेक्शन ऑफ दैट टर्मिनल टेल मी बात समझ में आ रही है कम से कम उस प्रोजेक्ट को तो प्रोटेक्शन मिलता अब आप बोलेगा सर कोई बात नहीं इंडिया को डब्ल्यू सिटी में मिल रहा है प्रोटेक्शन डेटा आया था ध्यान दीजिए ये डेटा आया था ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल हैंडल सेवेंटी परसेंट ऑफ श्रीलंका ट्रेड विद इंडिया अब बताइए हमें किसकी जरूरत ज्यादा थी मुझे बताइए हमें ईसीटी की जरूरत ज्यादा थी हमें ईसीटी की जरूरत ज्यादा थी इस जगह पे क्लियर है स्टूडेंट और यही वजह है डब्ल्यू सी टी मिल जाए लेकिन 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 ई का इंपॉर्टेंस कोई नहीं छीन सकता अब चाइना के प्रेजेंस चाइना के इंपैक्ट में किया या कुछ भी किया भाई ये आर्टिकल हो गया इंपॉर्टेंट डिस्कस ध्यान दीजिएगा डिस्कस द नीड ऑफ बिट्स डिस्कस द नीड ऑफ डिस्कस द नीड ऑफ साइनिंग नीड ऑफ साइनिंग बिट्स बिफोर गोइंग विथ एनी प्रोजेक्ट साइनिंग बिट्स बिफोर गोइंग अ हेड विथ एनी प्रोजेक्ट बिफोर गोइंग अ हेड विथ एनी प्रोजेक्ट ये एक सवाल बनता है ना इस ये केस स्टडी हो गया आईसीटी का टेन मार्क्स एग्री डिस्कस द नीड ऑफ साइनिंग बिट्स बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज बिफोर गोइंग एड विद एनी प्रोजेक्ट मार्क्स वर्ड्स डू यू थिंक इट्स नीडेड ये श्रीलंका को लेकर बात नहीं है जितनी जगहों पे इंडियन कंपनीज जा रही हैं हर जगह इंडिया को अपनी बात रखनी जरूरी है श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने डिनाई किया चाइना का रोल इसमें क्या वो कभी एक्सेप्ट करेंगे मुझे बता दी वह कभी एक्सेप्ट करेंगे <laughs> जब जब श्रीलंका में जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है जब जब ये सरकार आई है तब तब वो चाइना से उसकी क्लोजनेस बढ़ गई है <laughs> ये बता ये दिस इज नॉट अबाउट अ क्रिटिसिज्म दिस इज अबाउट लूप होल वी मस्ट एड्रेस डू यू एग्री वी मस्ट एड्रेस यूरोपियन कंट्रीज यहीं पर आगे हैं यूरोपियन कंट्रीज यहीं पर आगे पहले वो ट्रीटी साइन करवाते हैं और तब कहते हैं एफटीआई जाएगा आपके देश में दैट्स इट क्लियर है पहले वो ट्रीटी साइन करते हैं कि ट्रीटी साइन करवाओ पहले तब हम मेरी कंपनी वहां जाएगी ट्रीटी नहीं साइन होगा कंपनी नहीं जाएगी वहां पे काम करने तो इस चीज को याद रखिए एक सवाल आपके लिए डिस्कस द नीड ऑफ साइनिंग बिट्स बिफोर गोइंग एड विन एनी प्रोजेक्ट इंडिया को थोड़ा अपना पोजीशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इंडिया गुडविल डिप्लोमेसी कर रहा है अच्छी बात है लेकिन इंडिया को अपने भी इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे विद मी इंडिया को अपने इंटरेस्ट देखने जरूरी हो गए आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ठीक है इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट है उसके लिए ट्रिब्यूनल दैट्स इट ठीक है तो आई सपोज आज का सेशन अच्छा लगा आप लोगों को कैसा लगा जरूर से पुटिंग कीजिए चैट बॉक्स में और एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को जितने लोगों तक हो सकता है ठीक है आई सपोज द सेशन वॉज इंटरेस्टिंग आज के लिए इतना काफी है मेरी तरफ से वी बीस अ कपल ऑफ एडिटोरियल हम कल भी देखेंगे कुछ एडिटोरियल्स ठीक है ठीक है और अंडमान निकोबार के बारे में कंप्लीट नॉलेज और ये देखिए टर्टल के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेदर बैग टोटल भी न्यूज में आ गया ये देखिए इस शख्स को पता नहीं होगा इस पर्सनैलिटी को कि इसका फोटो ले लिया गया है ठीक है और ये देखिए आगे ठीक है ट से टूडे इस सेशन के पीडीएफ के लिए आइए टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अंडर स्कोर अनुराग अंडर स्कोर सिंह पर जुड़ जाइए पीडीएफ मिल जाएगा आगे बढ़ चलिए लेट्स मेक अज रेवल्यूशन इन दंट्री दैट सेट टेक केयर नमस्कार और जिस काम में आप एंट्री कर रहे हैं जान लगा दी समय की डिमांड नहीं जान की डिमांड ठीक है मैं मरने के नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं ये कह रहा हूं हंड्रेड परसेंट छुट्टी नमस्कार टेक केयर बाय बाय गुड डे और मैं अभी ग्रुप पे डाल दूंगा टाइम टेबल इस वीक का कैसे रहेगा स्पेशल क्लासेस का डोंट वरी एमसीक्यूज़ हो या इंडियन इकोनॉमी आज दोपहर दो, दो बजे तक टाइमिंग आ जाएगी टेक केयर बाय बाय आई विल एंड द सेशन